Hi. One chicken, one lamb. One chicken over rice, one lamb over rice. No, not rice, with the bread. With the bread. The gyros, like chicken gyro, lamb gyro, mix gyro, falafel gyro, $8. Any plate, $10. With like the rice? Chicken over rice, combo rice. Okay, so we are in the 49th Street and 7th Avenue. Mr. Halal Food ka counter hai. Dekhte hain ki inka bhi gyro kaise like ye Turkish or Lebanese style food hai. Master chef hai. Very nice. Sages ke sauce, thodi vegetable, onion. हम भी सुबह 9:30 बजे निकले हैं घूमने के लिए और अभी 4:30 बजने पानी पे चल रहे हैं। मैंने लैम वाला ऑर्डर किया है, प्राइस दोनों की सेम। ये तो साला दोस्त वाज वेरी रीजनेबल इन $8, फुल फ्लैज कर दिया काम भाई ने। फुल किस तरह खाओगे? वेरी हैवी, वेरी बिग। In $8, I will highly recommend that you come to this 49th and 7th Avenue counter to master halal. Yes. अभी खा कर आपको ट्राई करके बताते हैं इसका टेस्ट। अच्छा जी, ग्रीक में इसको जायरो बोलते हैं, तुर्की में सिमिलर थिंग होती है, स्मॉल रोल टाइप शुअरमा बोलते हैं उसे। इसमें इतना हैवी उसने मीट डाला, इतना ज़्यादा कि जायरो एक ही लेते और रोटियाँ 2-3 लेते और नवाले मार मार के खाते। अभी ट्राई करते हैं, ये लैम्ब है, हमें भूख तो लगी हुई है। सच बताऊँ खाने वाली चीज है, बहुत मुनासिब प्राइस है इसकी। और मेन चीज़ हम जैसे देसियों के लिए की ब्रेड है, तो जब तक हम ब्रेड ना खाएं हमें सुकून नहीं आता। देखें, प्योर मीट है लैम्ब। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, कबाब बना के खाता हूँ। न्यूयॉर्क में जिस भी जाएं ये मिलता होगा शाम के टाइम, ये स्टॉल सिर्फ शाम के टाइम आते हैं, दिन को नहीं। ब्रदर्स पिज़्ज़ा मेरी लिस्ट में ये स्पॉट नहीं था, बट ये पब्लिक देख के मैं खड़ा हुआ हूँ और ट्राई करते हैं। न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा स्लाइस बहुत फेमस है, यहाँ पूरा पिज़्ज़ा नहीं देते, एक स्लाइस देते हैं आपको। ये देखें, ये खा रहे पीछे, वर्कर्स खाते हैं। काफ़ी बड़ा है साइज, $4 में, एक कोक भी साथ में। प्राइस में तो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, दो पिज़्ज़ा स्लाइस इतने बड़े बड़े चीज़ के दे दिए और साथ में कोका कोला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरेज पिज़्ज़ा स्लाइस है, लेकिन $4 में दो पिज़्ज़ा स्लाइस और कोक के साथ आई विल रिकमेंड इट। ये भी हम फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में जॉयज पिज़्ज़ा के सामने खड़ा हूँ, आप अंदर रश देख ही सकते हैं। और ये स्पाइडरमैन मूवी में भी ये शॉप दिखाई गई है। पब्लिक देखें जी, कितनी पब्लिक है। बड़े बड़े फेमस लोगों ने यहाँ पर विजिट किया, उनकी फोटोज हैं। तो देखें, करतब शुरू कर दी है इसने। थैंक यू। ये आगे जी हमारा स्लाइस, लुक एट दिस, ये कैप्रेसी स्लाइस है। लेट्स ट्राई दिस वन। इसके ऊपर मोस्टली टोमेटो है, चीज है और ये मिंट पेपर है। देखें कि कितने लोग जा रहे हैं अंदर भाई। इसकी जो स्पेशलिटी मैं समझू ना, वो इसकी ब्रेड में है, जैसे उसने क्रिस्प की हुई है, बहुत ज्यादा क्रिस्पी है। अभी चीज वाला बाउल ले। इट्स अमेजिंग। इस शॉप की वाइब ही डिफरेंट है। फोर्ब्स में आया हुआ है, ये न्यूयॉर्क पोस्ट में आया हुआ है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में आया हुआ है। ये देखते हैं अंदर। भाई शॉप में आके तो बहुत अच्छा लगे, और अब बस लाइन का वेट कर रहा हूँ, काफ़ी लाइन है आगे। 2018 में इसको अमेरिका का No. 1 पिज़्ज़ा का अवार्ड मिला हुआ है भाई। ओके जी, इट्स टाइम टू ट्राई। तो ज़्यादा पसंद नहीं आया मुझे, ब्रेड अच्छी है बट जितना उसकी हाइप है
जितना उसका नाम बना हुआ है उतना अच्छा नहीं है। ये है जी लॉस टैकोस। ओके जस्ट पब्लिक, कितनी पब्लिक है। ऊपर चिकन का भी है, मीट का भी, ऊपर इन्होंने एवोकाडो का पेस्ट डाला हुआ है। फाइव डॉलर में एवरीथिंग, ऑलमोस्ट 4 to 5 डॉलर। टैकोस ले लें या ड्रिंक्स ले लें, यहाँ पर मैक्सिकन ड्रिंक्स हैं, सोडा भाई, म्यूजिक भी मैक्सिकन लगाए हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है। तो आपका ये आपने चूज करना होता है यहाँ से, इधर कॉर्न है और फ्लावर है, फ्लावर है तो फ्लावर के अंदर पोर्क होते हैं, मैंने पोर्क चूज किया। प्लस यहाँ पर ये आप ऊपर टॉपिंग चूज कर सकते हैं। ये कह रही है नो स्पाइसी, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद स्पाइसी बनाओ, तो टाको खाए बंदे और स्पाइसी ना हो। थैंक यू। अगर आपने और ज्यादा स्पाइसी करना है तो ये सारी सॉसेस बढ़ी। बहुत मजे का, बहुत मजे का। सिर्फ जो ऊपर पेस्ट है ना, इसके ऊपर एवोकाडो का, वो कुछ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मुझे तो वैसे वो काडू बहुत पसंद है, बट टैकोस इज वेरी नाइस। लास्ट टैकोस 9/10, ज़बरदस्त। थोड़ा सा मुझे ऊपर जो उसके ग्रीन कलर की पेस्ट थी उसका कुछ टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन ओवरऑल जो टैकोस में उन्होंने फ्लेवर मिक्स किए हुए हैं, जिस तरह से वो उसको तैयार किए हुए है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, हर चीज़ की एक प्रोपोर्शन है, बेस्ट बेस्ट है। हाईली रिकमेंडेड लास्ट टैकोस।